क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को इस IPL का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 1000 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। IPL 2020 अब खत्म होने वाला है। इस IPL के प्लेऑफ में खेले गए पहले क्वालिफायर मुकाबले में जीत हासिल करके मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। वहीं इस मुकाबले में हार के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सेमीफाइनल का रास्ता तय किया है। वहीं पहले एलिमिनेटर मुकाबले में जीत हासिल करके सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो गई है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस IPL खिताब के रेस से ही बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम IPL इतिहास के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की बात करने वाले हैं जिसने स्टेडियम में बैठे किसी भी दर्शकों को अपनी सीट पर बैठने का मौका ही नहीं दिया। रोमांच से भरे इस मुकाबले को लाइव देखना किसी भी क्रिकेट फैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दरअसल दोस्तों, IPL 2018 के एक रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उसके बाद मुंबई की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और इयान लुईस अपनी टीम को कुछ अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। पारी का दूसरा ओवर डालने आए बिल स्टेनलिक ने कप्तान रोहित शर्मा को शकीब अल हसन के हाथों कैच आउट कराया था। रोहित शर्मा ने 10 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने इयान लुईस के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालना चाहा, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने आए सिद्धार्थ कौल ने ईशान किशन को अपनी दूसरी ही गेंद पर यूसुफ पठान के हाथों कैच आउट कराया। ईशान किशन ने 9 गेंदों में 9 रन बनाए। वहीं इसी ओवर की 6वीं गेंद पर सिद्धार्थ कौल ने इयान लुईस को भी क्लीन बोल्ड करके मुंबई की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। लुईस ने 17 गेंदों में 29 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और कृणाल पांड्या ने मुंबई की पारी को संभालना चाहा और इन दोनों ने एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई के लिए बनाई। लेकिन कृणाल पांड्या पारी के 9वें ओवर में शकीब अल हसन के शिकार बने, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए कैरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन लगातार बढ़ते दबाव के चलते कैरन पोलार्ड एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पारी के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर बिल स्टेनलिक के शिकार बने। पोलार्ड ने इस मैच में 31 गेंदों में 28 रन बनाए। लगातार अंतराल से मुंबई इंडियंस का विकेट खोना उनके लिए अंत में भारी पड़ा और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी धाकड़ बल्लेबाजी लाइनअप के आगे मुंबई की टीम ने केवल 147 रनों का मामूली लक्ष्य रखा था। उसके बाद मुंबई से मिले 148 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत तो धमाकेदार रही। ओपनिंग करने आए रिद्धिमान शाह और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की धमाकेदार साझेदारी खड़ी कर दी। पावर प्ले में इन दोनों ने 10 की औसत से रन बनाए और कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप ने मुंबई की फैंस को थोड़ा सा निराश किया और यहीं से मुंबई के फैंस ने ये मैच देखना भी बंद कर दिया। लेकिन उनको पता नहीं था कि यह मुकाबला आगे जाकर कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला था। हैदराबाद की पहली विकेट 7वें ओवर में रिद्धिमान साहा के रूप में गिरी। साहा को मयंक मारकंडे ने 22 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कराया। वहीं नए बल्लेबाज कप्तान केन विलियमसन को भी पारी के 8वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराया और अगली ही ओवर में अर्धशतक के पास पहुंच चुके शेट बल्लेबाज शिखर धवन को मयंक मारकंडे ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा के हैदराबाद को बैकफुट पर ढकेल दिया। शिखर धवन ने इस मैच में 28 गेंदों में 45 रनों की धमाकेदार पारी खेली। बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी बीच के ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अपनी टीम को इस हारे हुए मुकाबले में वापसी कराई। बीच के ओवर में मयंक मारकंडे ने मनीष पांडे और शकीब अल हसन जैसे बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 5 ओवरों में लगभग 6 के औसत से 30 रन ही बनाने थे। यहां से मुकाबला हैदराबाद की टीम आसानी से जीत सकती थी,
लेकिन डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने पारी के 18वें ओवर में सेट हो चुके यूसुफ पठान और राशिद खान को लगातार दो गेंदों पर आउट करके पूरे मुकाबले का नक्शा ही बदल दिया। अब हैदराबाद को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने गजब की गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर में सिर्फ एक रन देते हुए एक विकेट भी झटक लिया। मुस्तफिजुर रहमान की इस बेहतरीन गेंदबाजी के चलते मुंबई की टीम इस मुकाबले में फिर से वापसी करती दिखाई दी। अब हैदराबाद को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता थी और हैदराबाद के पास केवल एक विकेट बचा था, लेकिन मुंबई के लिए एक बड़ी दिक्कत थी कि जसप्रीत बुमराह और मुस्तफिजुर रहीम के ओवर खत्म हो चुके थे। इसके चलते अंतिम ओवर डालने आए बेन कटिंग की पहली गेंद पर हैदराबाद के इकलौते बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने पहली गेंद पर ही धमाकेदार छक्का जड़ के इस मुकाबले को हैदराबाद की तरह झुका दिया। वहीं अगली दो गेंदों पर बेन कटिंग ने मुंबई को वापसी कराई। अब हैदराबाद को जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन दीपक हुड्डा 5वीं गेंद पर केवल 1 रन ही जुटा पाए। अब हैदराबाद को जीत के लिए अंतिम 1 गेंद पर 1 रन की आवश्यकता थी और उसके पास अभी भी एक विकेट बचा हुआ था, लेकिन अंत में बिली स्टेनिक ने एक लाजवाब चौका जड़कर हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। दोस्तों, हैदराबाद की टीम यह मुकाबला अंतिम ओवर में अंतिम गेंद पर एक विकेट रहते जीत गई। दोस्तों, ऐसा मुकाबला आईपीएल के इतिहास में पहले अभी नहीं हुआ था। इस मुकाबले में अंत में दीपक हुड्डा ने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के आगे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस हैरत अंगेज मुकाबले में हैदराबाद को जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस साल का आईपीएल के खिताब कौन सी टीम जीतेगी? क्या यह खिताब मुंबई इंडियंस जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट द्वारा हमें जरूर